प्रयास करेंगे कि आखिर विद्यालय में इतनी की संख्या में ग्रामीण क्यों है, क्यों विद्यालय में आप लोग बैठे हैं? चोर चोर के चावल चावल चोर चोरी भले हुए के कारण मास्टर बदल के तोड़ करके यहाँ चोरी किया गया है। हम कैमरामैन को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि यहाँ इसके और तार की भी चोरी की गई है। चोरी जो है चोर बहुत ही मंसूबे से यहाँ चोरी की घटना को अंजाम किस तरह से गंदगी है और गंदगी के जस्ट बगल में यहाँ जो है चावल की बोरी को छुपा करके रखे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त मधेपुरा जिला के घैलार प्रखंड क्षेत्र के उत्कर्मित मध्य विद्यालय औराही में मौजूद हूं और मैं आगे आपको विद्यालय में जो क्या परेशानी हुई है मैं वो आगे आपको परेशानी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए पहले चल के देखते हैं, यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और ग्रामीणों से कुछ हम बात करेंगे और ग्रामीणों से जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर विद्यालय में इतनी की संख्या में ग्रामीण क्यों है, क्या कारण है। क्या नाम हुआ सर जी? कामेश्वर यादव। कामेश्वर यादव जी, विद्यालय में आप लोग बैठे हैं? चोर चोर के चावल। चावल क्या नाम हुआ सर जी आपका? सरोज यादव। सरोज यादव जी, विद्यालय में आप लोग देखें कि विद्यालय में मौजूद है, क्या कारण है सर? यहाँ चावल चोरी हो गया है। चावल चोरी? निरंजन यादव। निरंजन यादव जी, ये विद्यालय में क्या ऐसी परेशानी? चोर चोरी भले हुए के कारण मास्टर बदल के जी 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 अब चोर चोरी भले ये चले चलू देखियो जी 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 वह देखे ले लिए पकड़े ले ये केना गले चोरी जी 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 चाला तोड़ क्या चोर चोरी गले। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मैं गुरुदेव यादव जी, सहायक शिक्षा उत्कर्मित मध्य विद्यालय। चोरी कब हुई सर? आज रात में चोरी हुई। आज रात हम जब विद्यालय आए, ऑफिस खोले, ऑफिस खोलने के बाद और जब बड़ कक्ष खोलने के लिए चले तो हमें दिखाई पड़ा कि चावल जब तक फेंका हुआ है जी, जी, जी। उसके बाद हम स्टोर रूम की तरफ गए तो वहाँ हमने देखा कि ताला टूटा हुआ है। उससे पहले जब सर हमको चार्ज दे रहे थे उस समय 16 बोरा चावल चावल था जी। जब गिनती किए हम तो उसमें से 8 बोरा चावल। जरा दिखाएं कि बच्चे जो है भोजन कर रहे हैं और यहाँ यही मध्यान्ह भोजन की जो चावल है उनकी चोरी कर ली गई है। चलिए ऊपर चलते हैं और हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। इस ताले को तोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ शिक्षक के द्वारा बताया गया है कि ये ताले को तोड़ करके यहाँ चोरी किया गया है। हम कैमरामैन को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि यहाँ स्टॉक रूम में जो है चावल की बोरी रखी गई थी और यहाँ कितने बोरे, सर आप सहायक टीचर हैं, कितने बोरे चावल की कितने बोरी चोरी हुई है? नहीं, ये तो जानकारी दे सकते हैं आप, कितने बोरी की चोरी हुई है? चलिए ये सर जो है बोलने से बोले सर, विद्यालय का पंखा जी 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 पंखा जो है विद्यालय की तार भी काट लिया गया, जहां की हमें जानकारी मिल रही है कि यहां पंखे और तार की भी चोरी। यहां चापा कल सर वो जरा खिड़की खोलेंगे, यहां चापा कल की भी यहां जो चोरी जो है चोर बहुत ही मंसूबे से यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया है और एक एक करके यहां विद्यालय में चोरी की। हम आपको चावल की बोरी जो यहां शौचालय है, सरकारी शौचालय जो है इसमें जो चावल की बोरी छिपा करके रखे गए हैं वो किसी ग्रामीण के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि एक बोरे ऐसे चोरी करके जो है इसमें रखा गया। सर चावल की बोरी है अंदर में है? चलिए हम अंदर आपको जो है दिखाने की प्रयास करेंगे। छायाकार जरा तस्वीर दिखाएं कि यहाँ शौचालय में किस तरह से गंदगी है और गंदगी के जस्ट बगल में यहाँ जो है चावल की बोरी को छुपा करके रखे गए। सर यहाँ जो है शौचालय में बहुत गंदगी है। सर एक मिनट रुकिएगा, शौचालय में बहुत गंदगी है, आप क्या करते हैं यहाँ विद्यालय? ऊपर में कोई कर दिया होगा, ऊपर में कोई कर दिया गया। शौचालय क्या चालू है? बंद रहता है, हाँ सब चालू है, सब चालू है, लेकिन बच्चे के द्वारा ऊपर में कर दिया गया। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मधेपुरा जिला के घैलार प्रखंड क्षेत्र के उत्कर्मित मध्य विद्यालय औराही में अभी हम आपको रिपब्लिकन चैनल के माध्यम से खबर दिखा रहे थे। आप बने रहिए हमारे खबर में, देखते रहिए द रिपब्लिकन टाइम्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।